हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे वेब अटैक्स एंड देयर प्रिवेंशन। तो बहुत सारे वेब अटैक्स होते हैं, बट हम इस वीडियो में फोर डिफरेंट वेब अटैक्स को कंसीडर करेंगे, जैसे कि XXX जो कि होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, CSRF अटैक, आई फ्रेम अटैक। ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं आपके जो वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, और इन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक्स का कॉमनली यूज़ होता है वो होता है कि हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में या फिर डाटा को इनक्रिप्ट करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेब अटैक्स एंड देयर प्रिवेंशन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला अटैक जो हम देखने जा रहे हैं वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक का मतलब क्या होता है? इट अलाउज़ द अटैकर टू इंजेक्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू द वेब पेजेस। तो देखो, जैसे होता क्या है इसमें, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज आपके पास ये एक वेब पेज है, और इस वेब पेज पे एक ये टेक्स्ट फील्ड है, और यहाँ पे एक सबमिट का बटन है। और वेब एप्लीकेशन क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इस टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे वो इंफॉर्मेशन आपके वेब सर्वर के पास चली जाएगी। तो ये आपका वेब सर्वर है। अब देखो, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे कैसे पास हो सकती है। एक इंफॉर्मेशन तो जाएगी आपकी जो सही होगी, कि जो लीगल यूज़र है वो सपोज़ इसमें अपना नाम एंटर कर रहा है, तो नाम चला गया फॉर एग्जांपल ABC। तो यहाँ पे जो डाटाबेस होगा जिससे कनेक्टेड है ये वेब सर्वर, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाएगी ABC। सिंपल। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसके थ्रू पास हो सकती है, जैसे XYZ एंड सो ऑन। बट सपोज नाउ अ अटैकर कम्स, अ हैकर कम्स, एंड दैट अटैकर ट्राइड्स टू इंजेक्ट अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू द वेब पेज। अब देखो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब इस अटैकर ने इस टेक्स्ट बॉक्स में लीगल इंफॉर्मेशन जो कि था यूज़र नेम, उसकी जगह उसने एक स्क्रिप्ट लिख दी। जैसे कि उसने लिखा कुछ स्क्रिप्ट, यहाँ पे उसने मलिशियस कोड लिखा और इसको बंद कर दिया, और ये उसने इस वेब सर्वर पे भेज दी। अब क्या होगा कि ये वेब सर्वर, क्योंकि वो भी एक वेब एप्लीकेशन है, वो इस जावास्क्रिप्ट को रन कर देगा। सो इन दिस द रन, इट रन्स द मलिशियस स्क्रिप्ट। और जैसे ही आपकी मलिशियस स्क्रिप्ट इस सर्वर के ऊपर रन होगी, इसका जो पर्पस था इस स्क्रिप्ट का, जो उसने कोड लिखा था यहाँ पे मलिशियस कोड, वो भी यहाँ पे रन हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो आपके वेबसाइट को किसी तरह से हार्म करेगा, कुछ नुकसान पहुँचाएगा। तो ये आपका बेसिकली होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। और इसका जो मेन यूज़ है वो किसे है? इट इज़ मेनली यूज टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल। कि अब हमने क्या करा, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन ना देके डायरेक्ट हमने अपनी स्क्रिप्ट वेब सर्वर के ऊपर रन करा देते हैं। तो ये होता है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। और इसकी जो प्रिवेंशन है, इसकी प्रिवेंशन का जो सबसे बढ़िया तरीका है, दैट इज़ टू इंस्टॉल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो टू प्रिवेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यू हैव टू इंस्टॉल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, और इसको हम WAF भी बोलते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी आपकी, तो क्लाइंट साइड ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में आप यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस फायरवॉल का काम क्या होगा? इस फायरवॉल का काम है कि वो मलिशियस और नॉर्मल रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट करें। तो अब इस फायरवॉल के अंदर आप रूल लगा सकते हो कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें ऐसे टैग्स हैं, स्क्रिप्ट टैग्स हैं फॉर एग्जांपल, उसको आप यहीं से फिल्टर आउट कर दो, वेब सर्वर तक ना पहुंचने दो। तो इस तरह से फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करके, यू कैन कॉन्फ़िगर दिस फायरवॉल, सो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करके, रूल्स को सेट करके, आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को प्रिवेंट कर सकते हो। सो कॉन्फ़िगर और सेटिंग रूल्स ऑफ द फायरवॉल और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, दैट इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक।
सेकंड जो अटैक है वो है डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक हमने पहले भी देखा था, इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन दिस द मलिशियस यूज़र ट्राइज टू मेक द मशीन नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू द यूज़र। तो डीडॉस अटैक का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो देखो कैसे होता है। सपोज एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को एक मलिशियस यूज़र डाउन करना चाहता है, उसकी नेटवर्क रिसोर्सेज को अनअवेलेबल बनाना चाहता है। तो वो कैसे करेगा, डीडॉस अटैक की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ज़ॉम्बी पीसीज का यूज़ होता है। तो सपोज़ ये आपका अटैकर है, दिस इज़ योर अटैकर। तो अटैकर अपनी मशीन से डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसमें ज़ॉम्बी पीसीस का यूज़ होता है। तो वो क्या करेगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सिस्टम्स बना रहा हूँ, ये लीगल यूज़र्स हैं, ये इनोसेंट यूज़र्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो एक अटैक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं ज़ॉम्बी पीसीस। ज़ॉम्बी पीसीस, और इन ज़ॉम्बी पीसीस को वो अपने कंट्रोल में लेके रिक्वेस्ट इनके पास भेजेगा और इनसे भी फर्दर रिक्वेस्ट इस वेबसाइट के पास जाएगी। सो रिक्वेस्ट इनके पास और इनके पास। तो इससे क्या होगा कि अब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट के ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे जो उसकी नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल हो जाएंगी एक नॉर्मल और एक लीगल लेजिटिमेट यूज़र के लिए। तो ये है आपका डीडॉस अटैक। और इसकी जो प्रिवेंशन है, इसकी प्रिवेंशन होती है बेसिकली बाय इंस्टॉलिंग सर्टेन फायरवॉल्स, बट फायरवॉल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग डीडॉस इट्सेल्फ। सो इन एडिशन टू फायरवॉल वी ऑल्सो इंस्टॉल्ड IDPS और IPS। ये होते हैं आपके इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बेसिकली। तो जो आपका IDPS या फिर IPS इसको हम बोलते हैं, वो है बेसिकली इंट्रूजन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम। अब ये जो होते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिस्टम को एनालाइज करते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पैकेट या कौन सी रिक्वेस्ट वेबसाइट तक आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे बीच में हम एक IDPS या IPS को इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे यहाँ पे, तो वो इस तरह के अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द DDoS अटैक एंड द प्रिवेंशन टिप इज बाय यूजिंग इंट्रूजन प्रिवेंशन और डिटेक्शन सिस्टम। नाउ द थर्ड वन, थर्ड अटैक इज SQL इंजेक्शन अटैक। It is considered as one of the most serious attack because in this the attacker tries to gain control of the database and all the information. तो अगर किसी अटैकर या हैकर के पास आपके डाटाबेस का कंट्रोल आ जाए, दैट मीन्स उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल आ गया। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देखो क्या करते हैं। Now, in order to keep your database secure, a security manager should practice regular auditing. तो उसको अपने डाटाबेस का रेगुलर ऑडिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई उसमें सिक्योरिटी का फ्लॉ तो नहीं है। सो अगर कोई फ्लॉ निकलता है, कुछ पता लगता है, तो उसको आपको एकदम से सेफ गार्ड कर देना चाहिए। देन इन एडिशन टू दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। So, IDPS or IPS. So, these also will help in your prevention from SQL injection attacks. The last attack that we are considering in this video is cookie poisoning or hijacking. Now, many web application uses cookies to save user information such as login, password and emails. Now, cookie poisoning allows the attacker to modify a valid cookie and gain false authentication or authorization information about another user and go on to steal your information. अब देखो होता क्या है नॉर्मली, अगर हम एक कुकी का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुकी कैसे काम करती है। सपोज एक यूज़र है,
इस यूज़र ने अपनी यूज़र नेम और इन्फॉर्मेशन, या फिर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, मैं बोल देता हूँ लॉगिन इन्फॉर्मेशन, एक वेबसाइट के पास भेजी। दिस इज़ योर वेबसाइट ए। तो वेबसाइट क्या करेगा, वेबसाइट इसको एक रिस्पॉन्स भेजेगा जिसमें एक कुकी होगी और उस कुकी के अंदर ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी। अब इस यूज़र के पास कुकी है एक ब्राउज़र के अंदर जिसमें इसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये यूज़र दोबारा से वेबसाइट को विज़िट करता है, तो जैसे ही वो विज़िट करेगा, ये जो वेबसाइट है ए, वो इसकी कुकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके इसको ऑथेंटिकेट कर देगा। दैट मीन्स इफ़ यू हैव बीन लॉग्ड इन वंस, देन द वेबसाइट कैन रीड योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुकी एंड गेट यू ऑथेंटिकेटेड ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ वन यूज़। अनदर यूज़ कैन बी इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग, सो दैट परचेज इन्फॉर्मेशन, यूर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर ऑल्सो स्टोर्ड इन दिस कुकी। सो द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, इट्स ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन दिस कुकी। अब देखो होता क्या है, अगर एक अटैकर है मेरे पास, या एक अटैकर है, जैसे यहाँ पे एक अटैकर है, दिस इज़ द अटैकर, और इस अटैकर ने इसकी कुकी को स्टील कर लिया। अब इसके पास भी कुकी है और इसने इस कुकी को किसी तरह से मॉडिफाई करके इस वेबसाइट ए के पास भेजा। तो ए को क्या लगेगा कि ये कुकी को रीड करेगा तो उसको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसकी, इस यूज़र की। बट ऑथेंटिकेट हो कौन रहा है, एक अटैकर। तो ये आपका होता है कुकी पॉइजनिंग और हाईजैकिंग, जिसमें कि एक अटैकर आपकी कुकी का गलत यूज़ करके अपने आप को ऑथेंटिकेट या फिर ऑथराइज कर लेता है। अब जो इसका प्रिवेंशन है, इसका सबसे बड़ा जो प्रिवेंशन है, दैट इज़ अ यूज़र हैज़ टू इंश्योर दैट देर इज़ नथिंग फॉर एनीबडी टू हाईजैक। इसका मतलब अवॉइड साइनिंग अप फॉर वेबसाइट्स और न्यूज़लेटर दैट यू डोंट ट्रस्ट। तो इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी वेबसाइट्स पे साइन अप करना जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप किया है जिसको आप पता भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी कुकी को रीड करके आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी हैकर या अटैकर को दे भी सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द कुकी पॉइजनिंग और हाईजैकिंग। इसमें आप एक चीज़ और भी प्रिवेंशन में ले सकते हैं कि ऑलवेज ऑलवेज क्लियर और डिलीट द कुकीज़, ऑलवेज क्लियर कुकीज़ बिफोर क्लोजिंग द ब्राउज़र। कि ब्राउज़र के अंदर अगर कुकी स्टोर ही नहीं होगी तो अटैकर किसी चीज़ को स्टील ही नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा जब भी ब्राउज़र को क्लोज़ कर रहे हो, जब भी आप अपना सेशन को डिसकनेक्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी कुकीज़ को क्लियर कर दीजिए। सो दिस इज़ अबाउट द कुकी पॉइजनिंग एंड हाईजैकिंग। एंड इन दिस वीडियो वी हैव सीन फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड देयर प्रिवेंशन। वन इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, प्रिवेंशन इज़ बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। सेकेंड इज़ डीडॉस अटैक्स, प्रिवेंशन इज़ use of firewall and intrusion detection system. Then SQL injection, the prevention is keep doing regular audit and use certain firewalls and IPS mechanism. And the last one is cookie poisoning. In this, the prevention tip is avoiding signing up on the malicious websites and clearing your cookies. So thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.